Hello and welcome to E4Education The topic which we are going to discuss today is the Premiership of Sir Robert Walpole He was considered as the first Prime Minister of the United Kingdom If we ki Sir Robert Walpole 1676 in 1745 unki wafat hui, 1721 to 1742 Uh, वो वो ब्रिटिश स्टेटमैन थे और वो पावर में थे एंड ही इज़ जनरल रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम जॉर्ज वन ने जब एक्सीड किया थ्रोन को तो वेलपोल को एज़ पर हिज़ कैपेबिलिटीज़ इन फाइनेंस सर्व करने का मौका मिला एट द पोजीशन ऑफ पे मास्टर ऑफ चेल्सी हॉस्पिटल जिससे उसको बहुत जल्दी प्रमोट करके पे मास्टर जनरल के अहदे पर अपॉइंट किया गया और फिर एक साल के अंदर अंदर उसको फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी एंड च्रांसलर ऑफ एक्सचेकर इन स्टैंड होप मिनिस्ट्री पर अपॉइंट किया गया जॉर्ज वन कि अमूर हकूमत अदम दिलचस्पी जो कि इस वजह से थी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता था उसको अंग्रेजी नहीं आती थी वो इंग्लिश कल्चर से उसके बारे में तो नहीं जानता था इंग्लिश पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता था जिसकी वजह वो वो कैबिनेट की मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए भी नहीं बैठता था और जिसकी वजह से यह हुआ के के से कि विग के अपने कोई मिनिस्टर्स क्योंकि विग्स हम लोग जानते हैं कि वह सर रॉबर्ट वैल के बहुत नज़दीक थे तो सपोर्ट आ, इन इंडिया ब्रिटिश थ्रोन इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन में विग्स को एक सुप्रीम पोजीशन दी जाती थी और इसी वजह से जो कैबिनेट मीटिंग्स जिनमें रॉबर्ट जिनमें जॉर्ज वन खुद नहीं बैठता था वो किसी मिनिस्टर को कह देता था कि वो उसको प्रिजाइड करे और फिर उसका मीटिंग का जितना भी अहवाल है वो उसको उससे आगाह कर दिया करे इसी तरह होते होते सर रॉबर्ट वैलपुल को अम, सदारत का मौका मिला कैबिनेट की और एबिलिटीज इन फाइनेंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर और उसके बाद ये था कि मुल्क के जितने भी अमूर होते हैं या सियासत के जितने भी उमूर होते हैं वो उनमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिसकी वजह से ये हुआ कि जो हमारे वैलपोल साहब थे उनको मुसलसल उसकी प्रेजिडेंसी का मौका मिलने लगा और इसी वजह से उसको ड्रिल सार्जेंट ऑफ दिग पार्टी भी कहा जाता है एंड दे रीजन ही वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ द यूनाइट किंगडम क्योंकि उससे पहले यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर का कोई उहदा नहीं होता था बात करते हैं फर्स्ट स्किज्म की जो जॉर्ज वन की वजह से हुआ बेसिकली उसका डिसएग्रीमेंट आया था जॉर्ज वन के साथ और वो इस वजह से आया था कि उसने ट्रिपल अलायंस बनाना चाहा था बनाया था हॉलैंड और फ्रांस के साथ मिलके इसी चीज़ के प्रोटेस्ट में वैलपोल ने अपनी पोजीशन से रिजाइन भी किया एंड ही आल्सो अपोज्ड द पीरिज बिल ये जो फर्स्ट कीजम है ये एंड हुआ जब ट्रीटी ऑफ लंडन हुई 1720 में और वैलपोल ने दोबारा अपनी मिनिस्ट्री जो है वो रीजॉइन कर ली सेकंड कीजम ये था कि जी क्योंकि उस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं था बल्कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं था और जो वैलपोल थे उनको प्राइम मिनिस्टर्स वाला ही प्रोटोकॉल दिया जाता था उनकी ही बात सुनी जाती थी उनका ही ऑर्डर चलता था कैबिनेट में तो इस वजह से ये था कि बहुत से मिनिस्टर्स ने अपनी जो अथॉरिटी थी उसको सबमिट करने से इंकार कर दिया था और इसकी वजह से फिर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना था वैल के उसमें दूसरा जो ये इशू बना था वैल एंड द कैबिनेट सिस्टम में ये हुआ था कि उससे पहले ये होता था कि कैबिनेट में विग्स भी होते थे और टोरीज़ भी होते थे और टोरीज बीइंग इन अपोजिशन टू विग्स वो क्या करते थे कि वो इश्यूज क्रिएट करते थे वो रोड़े अटकाते थे जो कैबिनेट की जो पॉलिसी होती थी जो वैल पॉल की पॉलिसी होती थी उसमें वो रोड़े अटकाना शुरू कर देते थे तो वैलपोल ने किंग को इस चीज़ पे रिक्वेस्ट की कि वो उन ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे जो कि उसके माइंड सेट के होता और इसी वजह से जब वो एक आ, वो उसी माइंड सेट के मिनिस्टर्स कैबिनेट में आए तो कैबिनेट सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ एज अमोजिनस बॉडी विद द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग वेलपोल की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वेलपोल एक पीसफुल आदमी था और वो फॉरेन पॉलिसी में पावर पॉलिटिक्स चोक करने के बेहद ख़िलाफ़ था उसके ख्याल था कि द बेस्ट सर्विस टू तो द ब्रिटेन वुड बी टू तो प्रोवाइड हर विद पीस सो दैट शी कुट्रॉगर इसीलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वार से बचा जा सके जंग से बचा जा सके और अपने दौर में वैल पोल ने यूरोपियन इसी वजह से उसने अपने दौर में वैल पोल ने जो है यूरोपियन पावर्स के साथ अच्छे तल्लक इस्तेवाल किए उसके दौर में जो सबसे नुमाया कॉन्टीनेंटल अफेयर्स उभरे वो कुछ ऐसे थे कि एक तरफ जो एम्प्रर चार्ल्स द दिक्कस थे ऑफ ऑस्ट्रिया वो बुढ़ापे की वजह से अपनी बेटी मारिया थ्रीसा की सक्सेशन को ऑस्ट्रियन सक्सेशन टू द ऑस्ट्रियन थ्रोन को सिक्योर करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने एक विल इशू की ये विल नहीं है विल है इशू की जिसको प्रैगमेटिक सेंक्शन का नाम से जिसको प्रेगमेटिक के नाम से जाना जाता है दूसरी तरफ फिलिप द फिफ्थ ऑफ स्पेन जो थे ही वॉन्टेड टू रिकवर जिब्राल्टर एंड मिनोरका एंड वॉन्टेड टू सिक्योर इटालियन प्रिंसिपल िटीज जिसके लिए फिलिप द फिफ्थ और चार्ल्स सिक्स जो है वो

डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देता हूं और ऊपर कार्ड पर क्लिक करने से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं खैर इसी खतरे को भांपते हुए ब्रिटेन ने ट्रिपल अलायंस में शमूलियत हासिल की और फिर उसने हॉलैंड और फ्रांस के साथ साथ प्रशा और हैनोवर को भी शामिल किया टू तो अपोज वियाना अलायंस जो कि ऑस्ट्रिया और स्पेन में था एक ब्रीफ सी वार होती है दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो कि 1721 1729 में ट्रीटी ऑफ सेवेले के बाद एंड हो जाती है और इस ट्रीटी से वियाना ट्रीटी को का एंड हो जाता है इन सेवनटीन

Uh, uh, को रिस्पेक्ट करते हुए मारिया को एज एम्प्रेस ऑफ ऑस्ट्रिया कबूल करेगा वार ऑफ जेनकिन ईयर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जी थ्रीटी

का एक कैप्टन आ, कैप्टन जैनकिन स्पिनियर्ड के हाथ रहते चढ़ गया और उन्होंने कप्तान साहब का एक कान काट दिया जिस कान कुशाई के अलावा जो और वजूहत थी उनमें ये जो मतलब तीन और वजूहत हैं उसमें पहली तो ये है कि साउथ सी कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन चाहती थी फॉर विच द स्लेव ट्रेड मोनापली वॉज ग्रांटेड टू दैम सेकेंडली ये था कि ब्रिटेन एंड स्पेन हैड द दस रीजन थर्ड ये था कि बाउंड्री बिटवीन स्पेन सेटलमेंट ऑफ फ्लोरिडा एंड द इंग्लिश कॉलोनी ऑफ जॉर्जिया वॉज अनसेटल्ड सो द होस्ट ऑफ रीजन कंपेयर द टू कंट्रीज टू वॉर और आखिर में रिजल्ट ये निकला कि सेवनटीन फिफ्टी में ब्रिटेन गेव अप द ट्रेडिंग राइट्स एंड स्पेन के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं होम पॉलिसी की तो लेजे फेयर के बारे में हम लोग जानते हैं ठीक है जी वेल पॉल फॉलो द पॉिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द पब्लिक लाइफ एंड ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द बेस्ट कोर्स वुड बी टू प्रोवाइड द पीपल विद द इन्वायरमेंट टू वर्क एफिशेंटली उसके एरिया में उसके एरिया में कोई आ, कोई खास ऐसे रिफॉर्म्स नहीं हुए थे और जो भी चेंजेस वो लाता था वो अफेक्ट हुए विद मिनिमम डिस्टर्बेंस फाइनेंस और ट्रेड की अगर हम लोग बात कर लें तो वैलपोल वॉज अ ग्रेट फाइनेंसर हम लोग ये जानते हैं कि वैलपोल जो है वो आ, पे मास्टर के पहले सबसे पहले पहले उसके अपॉइंटमेंट एज अ पे मास्टर हुई उसके बाद उसको पे मास्टर जनरल के उहदे पर अपॉइंट किया गया एंड दे फर्स्ट लॉर्डरी एंडसल एक्स एंड होप मिनिस्ट्री स्टेल्ट फीचर्स जो थे वो क्या थे उसके क्रिएटेड सॉरी इट क्रिएटेड नहीं ही क्रिएटेड है उसने एक सिंकिंग बैंक सिंकिंग फंड बनाया फॉर द रिपेमेंट ऑफ द नेशनल बैंक वो सारा का सारा तो रिपे नहीं कर कर, कर वो कर सका लेकिन ये है कि एक कंसीडरेबल अमाउंट उसने पे की और uh, जो रीपेड अमाउंट थी उसको एक कंसीडरेबल हद तक जो है उसने रिड्यूस किया उसने ड्यूटीज़ जो थी डिफरेंट आइटम्स के ऊपर सेवरल आइटम्स के ऊपर उनको उसने रिड्यूस uh, किया ताकि स्ट्रेट जो है वो इस्टेब्लिश हो उसने वेयर बॉन्डेड वेयर हाउसेज फॉर टी एंड कॉफी का एक कॉन्सेप्ट भी उसने वो किया जिससे ट्रेडर्स जो थे उनको बड़ा uh, फ़ायदा हुआ वैलपोल जो था उसने ही वॉन्टेड टू एड ही वाइन्ट टू दिस सिस्टम फॉर दिस पर्पज़ ही इंट्रोड्यूस एक्साइज बिल इन द पार्लियामेंट ओइंग टू हज नेम इसकी वजह से फिर क्या हुए थे कि बहुत से इशूज़ आ गए थे और लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एहत किया था तो वैलपोल साहब ने जो है उस बिल को ही बिल्कुल बिल ख़त्म कर दिया था बजाय इसके कि उसके ऊपर वो कोई उसको वो करे. वेलपोल ने लैंड टैक्सेस को भी रिड्यूस किया था ठीक है जी फ्राम फोर शिलिंग्स तो वन शिलिंग, आ, आ, इन अगर हम लोग बात करें ट्रेड एंड, ट्रेड पॉलिसी की, तो उसमें ये था कि जी नेविगेशन एक्ट जो है वो पास किए जाते थे लेकिन इसके वेलपोल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको फुली एंड रिजिडली इन्फोर्स नहीं किया गया था वेलपोल ने क्या किया था कि उसने मुलाजिज एक्ट पास किए थे जो कि ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी को मुलाजेज इम्पोर्ट करने से फ्राम वेस्ट इंडीज से फॉर्मेट करते थे एंड दिस एक्ट वॉज पॉज टू सेटिस्फाई वेस्ट इंडियन वेस्ट इंडियन प्लांटर्स लेकिन वैल पोल ने इनको भी इन्फोर्स नहीं किया था दैट द कॉलोनीज गुड इजिली इम्पोर्ट मुलाजेज टू स्मगलिंग वेलपोल ने राइस को और उसके बाद शुगर को इन्यूमरेटेड गुड्स की लिस्ट से निकाल के नॉन इन्यूमरेटेड गुड्स की लिस्ट में डाला था और जिसका यह मतलब था डैट दैट द कॉलोनीज Could import these items from from whatever they from wherever they want. His policy of non-intervention in the colonial affairs was was an other uh, was was other manifestation of the laissez-faire policy, or sneeze a free hand the Duke of Newcastle کو, who looked after the colonial affairs. look religious and administrative policies The religious and administrative policies may वेल पोल ने एक मॉडरेट पॉलिसी अपनाई थी और वो वो रिलीजियस टॉलरेशन जो है वो कर, न, लाना चाहता था और उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जी रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर है हर एक इंसान का और उसमें स्टेट को जो है क्या उसमें स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में ही मॉडरेट पॉलिसी इन द स्पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल ही द पीपल अगर लोग स्ट्रीट्स में एजुटेट नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को उन चीज़ों से को अवॉइड करना चाहिए जो जिनके प्रोटेस्ट में आवाम जो है वो गलियों में निकल आए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे और इस पॉलिसी को लेट द स्लीपिंग डॉग्स ले का नाम दिया गया था Porteous riot hue Porteous riot mein Captain Porteous he was an officer in command of the guard at execution of two smugglers in Edinburgh Edinburgh sorry उसमें यह हुआ था कि जी एक मॉब ने स्मगलर्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी जिसके ऊपर जो कैप्टन साहब थे उन्होंने फायर खोल दिया था उन लोगों पर और कुछ लोग मर गए थे कैप्टन साहब को अदालत के सामने पेश किया गया ही ही वाज वाज प्रूवन गिल्टी एंड सेंटेंस टू डेथ बट क्वीन जो है वो रिप्री उन्होंने उसको रिप्रीव कर दिया उनको माफ कर दिया लेकिन वो अभी तक जेल में थे सो जो जो मॉब था उन्होंने दे ब्रोक इन टू प्रिजन एंड दे हैंग्ड पोर्टियस क्वीन जो थी एंड द कैबिनेट जो है वो क्या करना चाहती थी वो लोगों को परिश करना चाहती थी

प्राइम मिनिस्टर रहा था उसमें एक सबसे बड़ी बड़ी वजह तो ये थी कि वो चूंकि लोगों के पर्सनल अफेयर्स में उस इंटरफेयर नहीं करता था उसको उन्होंने उसको उन्होंने मज़हबी आज़ादी दी हुई थी इस वजह से एक बहुत बड़ा एक वजह थी कि वो उनके पर्सनल मैटर्स में वो नहीं करता था इंटरफेयर नहीं करता था इस वजह से सेकेंडली ये था कि वो वो पॉपुलर भी बहुत था अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इसके अलावा कुछ और रीजन से जैसे फॉर एक्जाम्पल सिस्टम की अगर बात की जाए द सिस्टम बेसिकली दूसरे सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ था कि जिसमें क्या था कि उसने इलेक्शनियरिंग ऑफ ड्यू कैसल के थ्रू जो है ये इंश्योर कराया कि हाउस ऑफ कॉमन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो होगी वो किसकी होगी वो होगी विग्स की और जिसकी वजह से मतलब एक ऑबियस सी बात थी कि वो फिर सारी की सारी सपोर्ट किसको मिलनी थी वो वेलपोल को मिलनी थी सेकंड सपोर्ट ऑफ द कोर्ट था कि जी जो क्राउन था उनकी भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी क्राउन की सपोर्ट हासिल होने की वजह से क्या हुआ था कि जी फॉर एग्जांपल अब जॉर्ज वन की अगर हम लोग बात कर लें तो वो तो वेलपोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था उसने सारी सारी हुकूमत के जितने भी उमूर थे वो वेलपोल के हाथ में दिए हुए थे जॉर्ज टू जो कि स्टार्ट में कुछ रिलकटेंट था वैलपोल से तो उसने थोड़ा सा वो हेजिटेंट था उससे इस वजह से वो थोड़ा सा खींचा खींचा रहता था लेकिन फिर उसकी बीवी जो थी क्वीन केरलिन जो एक सॉफ्ट हार्टेड क्वीन थी तो उसने वेल पोल को एडवाइस किया कि वो बादशाह का जो खर्चा पानी है जिसको हम लोग सिविल लिस्ट कहते हैं द मनी स्पेसिफाइड बाई द पार्लियामेंट फॉर किंग्स एक्सपेंसिस उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे क्या हुआ था हंड्रेड थाउजेंड पाउंड तक उसको इंक्रीज कर दिया था टू मेक जॉर्ज टू हैप्पी। दस हैड द सपोर्ट ऑफ द क्राउन थ्रू आउट हिज ब्रेन तीसरा जो पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में था वो ये था कि लोग उससे बहुत खुश थे बिकॉज ऑफ हज पॉलिसीज बिकॉज ऑफ़ हिज पॉलिसीज क्योंकि उसकी पॉलिसीज ने हैड मेड द ब्रिटेन प्रॉस्परस कंट्री एंड द चीपर प्लेस टू लिव उसने टैक्सेस में और ड्यूटीज में कमी की थी और ट्रेड जो है जिससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी लोग जो है वो कमाते ज्यादा थे लेकिन उनका कम खर्च में जो है क्या हो जाता था गुजारा हो जाता था तो इस वजह से भी वो एक चीपर प्लेस टू लिव हो गया था और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे तो पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में बहुत पॉजिटिव था अब हम लोग बात कर लेते हैं काजेज़ ऑफ डाउनफॉल के बारे में वैलपोल ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वो जंग के खिलाफ अपने मौक़ की वजह से आवाम की मकबूलियत खो चुका था लेकिन इसके जवाल की सिर्फ यही वजह नहीं थी जंग के खात्मे से पहले भी बहुत सी वजूहत मौजूद थी फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग अपोजीशन कोई भी जमूरीत जो होती है या कोई भी हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसको कोई भी शख्स एक लंबे अरसे तक उसके ऊपर अपना गलबा नहीं रख सकता या उसको डोमिनेट नहीं कर सकता वेलपोल ने तकरीबन दो दिहाइयों तक हाउस ऑफ कॉमन पर अपनी डोमिनेशन रखी बहुत से लोग उसकी मुख्तलिफ पॉलिसियों से नफरत करते थे और उसके खिलाफ हो गए थे और ऐसे लोग ना सिर्फ टोरीज में शामिल थे बल्कि विग्स जो उसकी अपनी पार्टी थी उनमें भी ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वजह है वो ये है कि स्कॉटिश हॉस्टिलिटी आफ्टर द पोर्टिस रियाट पोर्टिस रिटर्ट का जो एक मसला हुआ था उसको जो लोगों ने जेल में जा और उसको हैंग कर दिया था उसकी वजह से काबीना जो थी है, जो कैबिनेट थी और जो क्वीन थी उसने उन जो रियूटर्स थे उनको उनके खिलाफ उनको कड़ी सजा ना देने की वजह से वेल पोल को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था दूसरी तरफ स्कॉटिश लोग जो थे वो भी इस वाक़े पर बहुत ज़्यादा मुश्तल हुए थे क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी उनकी वजह से सज़ाएँ और वो मिली थी तो उसकी वजह से वो भी काफ़ी उनसे मुश्तिल थे बहुत ज़्यादा नाराज थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इस वाहद वाक़े की वजह से उसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा उसकी जो पजीराई थी उसमें कमी आई थी एक्साइज बिल की अगर हम लोग बात करें तो इस बिल का मकसद बॉन्डेड वेयर हाउस सिस्टम जो था उसका जो एक कामयाब तजर्बा किया गया था उसमें मजीद चीजों को ऐड करना था ताकि मजीद खुशहाली आ सके लेकिन उस इस बिल के नाम की वजह से यानी कि एक्साइज बिल की वजह से उसे गलत समझा गया सड़कों पर लोगों के शरीद हंगामे हुए पार्लियामेंट में होने वाली तनकीद की वजह से वैलपोल को यह बिल वापस लेना पड़ा यह बिल वैलपोल को वैल, यह बिल भी जो है वह वैलपोल की पजीरा में काफी आ, काफी कमी का बायस बना एंड अदर रीज़न फॉर हिज डाउनफॉल वॉज द डेथ ऑफ क्वीन कैरोलिन क्वीन कैरोलिन ही वो शख्सियत थी जो कि हमेशा उसकी हिमाती रही हैं और ये उसके जरिए ही था कि जॉर्ज टू के साथ वैल पोल काम करने में कामयाब रहा जब क्वीन कैरोलिन की वफात हो गई तो फिर वैल पोल ने इस्तीफ़ा देना चाहा लेकिन जॉर्ज टू के इसरार पर उसने काम अपना जो है वो जारी रखा इसके अलावा जो न, एक और वजह यह थी कि लॉस ऑफ आफ्टर द आउट ब्रेक ऑफ वॉर विद स्पेन हुआ था और वो ये था कि जेनकिन कैप, कैप्टन जेनकिन के कान काटने के वाक्य पर आवाम बहुत ज्यादा उससे नाराज थे और वो स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान उन्होंने कर दिए थे जबकि वेलपोल जो थे वो इस जंग के हक़ हाँ में नहीं थे क्योंकि वो इसे एक गैर मुनिफाना जंग समझते थे अगर बात की जाए एडवानटेज़ज़ज़ज़ज़ज और सिग्निफिकेंट ऑफिस सिग्निफिकेंस ऑफ इज रूल तो अपने दौरे हुकूमत में बरतानिया ने ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ़रोक दिया टैक्सों में बहुत ज़्यादा कमी की लोग आ, लोग आमतौर पर खुशहाल थे क्योंकि उन्हें भारी टैक्स अदा नहीं करने पड़ते थे दूसरी जानब तजारत के जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था हकूमत को ज़्यादा रेवनीू हासिल हु, 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 हुआ था और इस तरह बरतानिया बहुत मजबूत हो गया था और उसके पास अब ये ताकत थी कि वो अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए दूसरी का भी मुकाबला कर सकता था इसके अलावा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी में हमें यह पता है कि वेलपोल एक अमन पसंद आदमी थे और उस उन्हें और वो इसे मुल्क की अमन को जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी समझते थे वो किसी भी कीमत पर जंग से बचने के लिए पुराज थे उन्होंने जंग के मसले पर इवन क्या इस्तीफा भी दे दिया था हम लोग ये जानते हैं हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है जैसे वो जिसे वो गैर जरूरी समझते थे इसके अलावा हमारे पास जो है वो फर्स्ट मूवमेंट टूअर्ड ट्रेड जो फ्री ट्रेड थी उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया वेलपोल ने तजारत के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आजादाना या जो फ्री ट्रेड होती है उसकी पॉलिसी की तरफ जो है पहला कदम उठाया उनका ख्याल ये था कि ज़्यादा तजारत से कौम मज़ीद खुशहाल कौम में मजीद खुशहाली आएगी इस वक्त ये एक नया तस्वर था लेकिन यही पॉलिसी फिर रॉबर्ट वायल रॉबर्ट पील ने भी इसको अपनाया जो कि आगे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग अगर देख लें तो जो खुशहाली की वजह से अब नो अपॉर्चुनिटी फॉर एंड अदर जैकोबाइट रेवल्यूशन रेवोलूशन बिकॉज स्टूअर्ट्स का जो एक आयरन फिस्ट से रूल करने का एक तरीका था उससे लोग तंग आ चुके थे और उनको अपनी हकीकी आज़ादी का पता चल चुका था कि जी हकीकी आज़ादी होती क्या है हकीकी डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी के क्या फ़वाद होते हैं इस वजह से उन्होंने जो स्टूअर्ट्स की जो एक आयरन फस्ट वाली जो उनकी एक हुक्मरानी थी उनकी तरफ उनका जो एक रुझान था वो ख़त्म हो चुका था और जिसकी वजह से एक और जैकोबाइट रेवोल्यूशन जो है वो होने से बच चुकी थी इसके अलावा हम जानते हैं कि हाउस ऑफ हैनोवर जो है वो ऑन द थ्रोन एंड वी नो दैट इट वाज थ्रू द रूल ऑफ वेलपोल द हाउस ऑफ हैनोवर वाज नाउ फॉर्मली इस्टबलिश द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एट होम एज वेल एज द ट्रीटीज विद यूरोपियन नेशन

में कुछ मसाइल भी थे जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ था लाइक like, उसके दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा थी इसके दौर में रॉयल रॉगेट उसने यूज़ किया था अपनी सपोर्ट के लिए उसने अपने आप को अजर्ट करने की कोशिश की थी ओवर हिज कलीग्स एंड वो कैबिनेट में जो है डिसिनटिंग वॉइस सुनने का वो जो है बिल्कुल भी रवादार नहीं होता था कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अगर हम लोग देख लें तो वेलपोल की जो हकूमत थी वो टू डेकेट से जायद के अरसे पर जो है वह मुश्तमिल थी और उसमें नुमायाँ जो uh, उसके लॉन्ग टैनियर में जो नुमायाँ फाउंडेशन आई थी उसमें कैबिनेट सिस्टम की फाउंडेशन थी एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी इन द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री हुई थी ही वज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री एंड ही यॉज ऑल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड ड्यूरिंग एटीथ सेंचुरी इसके अलावा उसने प्रॉस्पैरिटी के थ्रू जो है वो जैकोबाइट की जो काज थी उसको भी उसने उसका भी कला कमा किया और लोगों की का जो इंटरेस्ट था इन स्टूअस रिजीम्स उसको जो है उन्होंने आ, वो लोगों का उसमें ख़त्म हुआ ही वॉज़ एक्सट्रीमली टॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिजम और उसकी वजह से क्या हुआ कि जी आ, जो लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल uh, मैटर्स को लोग आपस में डिसाइड डिस्कस uh, करना शुरू हुए अगेन इट वाज अंडर हिज रोल के ब्रिटेन जो है उसने अपने जो उसकी कमांड थी उसको स्ट्रेंथन किया और उसकी रिसोर्स को उसने वो किया एंड शी कुड बीट अदर यूरोपियन पावर्स इन स्ट्रगल ऑफ कलोनियल एम्पायर बींग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन ही ग्रेटली इन्हांस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज हाउस इन गवर्नमेंट बिजनेस सो थैंक यू गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़ Thank you.